पटना प्रशासन एक्शन के मूड में है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जाँच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा। बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जाँच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था। कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल है कि जब इतने नामी कोचिंग में इतनी अनियमितता पाई गई तो बाकी कोचिंग संस्थानों की क्या दशा होगी। नियमों का पालन न करने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई के मूड में है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जाँच की जाएगी। इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। डीएम ने कोचिंग संचालकों को एक महीने में सभी तरह की कमियों को दूर करने का समय दिया है। अगर एक महीने में व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास के डेहरी से, जहां अमझोर इलाके के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। तेज धार में बहुत लोग फंस गए, लेकिन आपसी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह पानी की धार से निकाल पाए। बता दें कि कशिश वाटरफॉल सुदूरवर्ती इलाके में है और मानसून में यहां खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने से कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पानी की तेज धार में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल के दूसरी ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे के हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल पाए। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां अवधेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कस्बा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। बाइक सवार दो अपराधी ने सिर में गोली मारी है। अस्पताल में इलाज के दौरान अवधेश यादव की मौत हो गई है। कस्बा थाना के कस्बा में वारदात को अंजाम दिया गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवधेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कस्बा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे। बाइक सवार दो अपराधी पहुंचे, सिर में गोली मारी। ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पर ये अपराधी नजर आ रहे हैं और देखिए कैसे गोली मार करके अपराधी फरार हो जाते हैं। तो ये फुटेज भी सामने आया है इस पूरी हत्याकांड का, और इस फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से पीछे पीछे अपराधी आता है और उसके बाद से गोली दाग करके आसानी से वो फरार हो जाता है और अवधेश यादव वहीं गिर जाते हैं। ये तस्वीर सामने आई है पूर्णिया से, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए रेड सर्किल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवधेश यादव आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे अपराधी पहुंचता है, गोली मारता है, सिर में गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही अवधेश यादव की मौत हो जाती है। कस्बा थाना के कस्बा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्णिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं।
समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के राजकीय विद्यालय मालदा की कई छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने स्कूल में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि वो विद्यालय थोड़ी देर से पहुंची थी, इसी को लेकर धक्का मारकर उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया था। साथ ही छात्राओं ने बताया कि टीचर उन लोगों को फांसी लगाकर मारने, हीरोइन चप्पल से मारने जैसे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर हसनपुर प्रखंड की शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पहुंची और बच्चों को समझाकर शांत कराया। वहीं बीओ के मुताबिक बच्चे लगातार एक सप्ताह से लेट आ रहे थे और बार बार बताने पर भी नहीं मान रहे थे, जिसके चलते प्रिंसिपल ने विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया। कि हम लेट आए तो बोली मैम, बोली क्लास लेके जाइए, मैम क्लास लेकर नहीं गई और उसके बाद सर ने सबको बाहर निकाल दिया। उधर से चार चक्का गाड़ी आ रहा था, इतना तेज से दबा रहा, इतना तेज से कि अगर कोई बच्चा उसके चपेट में आ जाता तो क्या होता। प्रधानाध्यापक का कहना है कि बच्चियां देर से आई, इसलिए उनको एक भेजा गया कि आप देर से क्यों आए, और एक सप्ताह से वो लोग देर से आ रही थी, बार बार उनको कहा जा रहा था लेकिन समय नहीं सुधर रहा था, इसलिए आज उनको विद्यालय में घुसने नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा यही बताया गया, बच्चियों ने कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं, उनकी शिकायत की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, न्यूज़ 18 सवाल भी पूछता है, छात्राओं के स्कूल से आखिर बाहर क्यों निकाला गया? और सवाल ये भी है कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल शिक्षक क्यों करते हैं? और सवाल ये भी इस घटना के बाद से कि देर से आने पर धक्का क्यों मारा गया? वायनाड में हुए भूस्खलन का मामला, वैशाली के 14 लोग त्रासदी के शिकार हुए, 9 लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं, एक महिला का शव बरामद किया गया है, एक व्यक्ति का इलाज जारी है, 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डीएम यशपाल मीणा ने इसकी जानकारी दी है। तो 9 लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, बताया जा रहा है कि वैशाली के 14 लोग त्रासदी के शिकार हुए जिसमें 9 लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं, एक महिला का वहीं शव बरामद किया गया है, एक व्यक्ति का इलाज जारी है, 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डीएम यशपाल मीणा ने जानकारी दी है। खबर वैशाली से, जहां केरल के वायनाड में प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए वैशाली के एक दंपति में से पत्नी का शव बरामद हो गया है और पति उपेंद्र पासवान 30 घंटे बाद मिले हैं, जिससे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपेंद्र पासवान की पत्नी की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। हालांकि उपेंद्र के जिंदा मिलने से परिवार वालों में थोड़ी राहत है। परिजनों के मुताबिक उपेंद्र पासवान पिछले 20 साल से अपनी पत्नी के साथ केरल में रहते थे, लेकिन कुदरत के कहर में उपेंद्र की पत्नी की जान ले ली और वो खुद भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। चौथा रोज दुर्घटना, 10 बजे दुर्घटना हो गई। क्या सूचना मिला था? सूचना मिला कि पता नहीं है, दहा गया कि कहाँ है, पता नहीं मिला। तो वह पता